हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, और टॉपिक होगा एनएमआर, दैट्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। सर, ये एनएमआर है क्या और ये एनएमआर क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आपको बता दूं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना, एक्चुअली टू बी वेरी फ्रेंक, कंप्लीट स्पेक्ट्रोस्कोपी हैज गॉट टू यूजेस। पहला यूजेस होता है, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये पता कर सकते हो कि कोई चीज़ कितनी प्रेजेंट है, लाइक यू कैन फाइंड आउट एक्चुअली द क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस प्रेजेंट। सेकंड चीज, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी से किसी फंक्शनल ग्रुप को या किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को पता कर सकते हो कि अगर मैं आपको एक अननोन कंपाउंड देता हूँ तो आप उस अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता कर सकते हो। वन ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अगर कहीं देखी होगी, दैट्स कॉल्ड एज IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको मॉलिक्यूल में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता सकती है, क्योंकि वहां पे आप वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ते हो, एंड एवरी फंक्शनल ग्रुप हैज गॉट अ पर्टिकुलर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जिस पे वो एब्जॉर्ब करता है। नाउ कमिंग अप टू NMR, NMR का सबसे ज्यादा यूज होता है ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि अगर कोई एटम प्रेजेंट है, एक डिस्टिंक्ट एटम अगर प्रेजेंट है, तो वो कितने उसके अलग अलग फॉर्म्स में या अलग अलग एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। मैं जो अभी कह रहा हूँ शायद वो आपको नहीं समझेगा, पर आने वाले टाइम में जब आप जैसे जैसे धीरे धीरे NMR को पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको NMR के बारे में ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ना आप अगर NMR वर्ड को देखते हो, दैट्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें तीन वर्ड्स आते हैं। पहला वर्ड होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर, यानी ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियस से डील करेगा। सेकंड वर्ड जो इसमें आता है वो होता है मैग्नेटिक, यानी कहीं ना कहीं तो मैग्नेटिक फील्ड का इसमें बहुत लेना देना है। और तीसरा वर्ड आता है रेजोनेंस। ना ये रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रेजोनेंस नहीं है, जहां पे आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ोगे, ये रेजोनेंस कहीं ना कहीं फिजिक्स का है, जहाँ पर आप ये देखते हो कि दो चीज़ों की जब कोई फ्रिक्वेंसी या एनर्जी मैच हो जाती है तो हम कहते हैं भैया रेजोनेंस हो गया, ये वो रेजोनेंस है। नाउ NMR को अगर आपको पढ़ना है, आप जितने भी बड़ी बुक्स निकालते हो, NMR को डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया गया है और वो डायरेक्ट स्पिन पे आ जाते हैं, या वो डायरेक्ट आपको एनर्जी का डीजनरेटेड एनर्जी स्टेट्स बता देते हैं। हम जो NMR स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, हम बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। मे बी मेरे स्टार्टिंग के दो वीडियोस आपको 11th 12th की झलक मिलेगी, पर ये दो वीडियोस जो होंगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको NMR का बेसिक समझना है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ग्राफिकल ग्राफ सॉल्विंग या मॉलिकुलर इलस्ट्रेशन, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग NMR, द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड NMR, NMR आया कैसे, what बेसिकली डू यू अंडरस्टैंड बाय NMR। तो एक काम करते हैं NMR को समझना स्टार्ट करते हैं। सर, NMR को अगर समझना है तो सबसे पहले एटम को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे NMR में एक वर्ड आता है न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर का मतलब आई एम समवेयर रिलेटेड विद न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को अगर समझना है तो लेट अस गेट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। हम एटम को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, सो इफ दिस इज माई एटम, जिसको मैं थोड़ा प्लेन में बनाता हूँ, एंड मुझे पता है वहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में एक न्यूक्लियस होता है, आई हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस होता है, दिस न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ टू स्टफ, एक्चुअली दिस न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ मेनी थिंग, आई विल बी रॉन्ग इफ आई से इट इज मेड अप ऑफ ओनली टू स्टफ, देयर आर समथिंग कॉल्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नाउ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने तो सीन ही सुने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जबकि ऐसा नहीं है, देयर आर मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल। और आज की मॉडर्न फिजिक्स तो कंप्लीट न्यूक्लियस के पीछे हाथ धोके पड़ गई है, वो तो न्यूक्लियस को तोड़ तोड़ के अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल्स को निकालना चाहती है। बट बेसिकली मैं कह सकता हूं कि मेरे पास दो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस में, जिसमें पहला नाम होता है प्रोटॉन का और दूसरा नाम आता है न्यूट्रॉन का। और मुझे पता है मेरा प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, मेरा न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इस प्रोटॉन की वजह से मेरे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा मुझे पता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आई हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स, और मैं दो इलेक्ट्रॉन्स यहां ड्रॉ करना चाहूंगा और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को मैं यहां ड्रॉ करता हूं। इसके पीछे के रीजंस आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। Now, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिस आर इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसकी वजह से दे आर कॉल्ड एज चार्ज पार्टिकल्स। प्रोटॉन भी चार्ज पार्टिकल्स हैं और इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है। नाउ बेसिक फिजिक्स मुझे ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जब डिस्कवरी होना स्टार्ट हुआ था इलेक्ट्रॉन का, तब ये चीज़ समझ में आई थी कि इलेक्ट्रॉन
सिर्फ न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता ही नहीं है, बल्कि वो अपनी खुद की जगह पे स्पिन भी करता है। जिस तरीके से धरती सूरज के यानी सन के चक्कर लगाती है, और वो सिर्फ चक्कर ही नहीं लगाती है, वो अपनी जगह पे गोल गोल घूमती है, वैसे ही मेरा इलेक्ट्रॉन भी अपनी जगह पे गोल गोल घूमता है, जिसको स्पिन कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो मेरे पास खड़े हैं, ना कि ये सिर्फ मेरे न्यूक्लियस का चक्कर लगाएंगे, वो अपनी जगह पे गोल गोल भी घूमेंगे। अगर एक ऐसे घूम सकता, एक पॉसिबिलिटी है कि वो एंटी क्लॉक वाइज घूम सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो क्लॉक वाइज घूम सकता है। तो मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहां ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। सो आई हैव गॉट टू इलेक्ट्रॉन्स, ये दो इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास। या तो मेरा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम सकता है, जिसको एंटी क्लॉकवाइज कहूंगा, या तो मेरा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम सकता है, जिसको मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहूंगा। नाउ द प्रॉब्लम इज इलेक्ट्रॉन हैज गॉट अ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज गॉट अ नेगेटिव चार्ज। नाउ सिंस मेरा इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा, तो हमने फिजिक्स में रोटेशनल मोशंस में कहीं पढ़ा है कि एवरी रोटेटिंग बॉडी हैज गॉट समथिंग कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम, उसका कुछ तो एंगुलर मोमेंटम होगा। तो सिमिलरली अगर मेरा इलेक्ट्रॉन वहां रोटेट कर रहा है, तो उसका कुछ तो एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। वो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा उसको लिखा जाता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ स्मॉल एस इंटू स्मॉल एस प्लस वन h upon 2pi. This is completely derived from quantum chemistry, so I'm not gonna go into the detailed explanation of this formula. Yaad rakhna, angular momentum is a vector quantity. Ye sirf magnitude pe depend nahi karti, ye direction pe bhi depend karti hai. Matlab, agar main aapse kehta hu ki mera electron spin kar raha hai, ठीक है भाई, वो ये इस डायरेक्शन ऐसे स्पिन कर सकता है या ऐसे स्पिन कर सकता है, पर इसके अलावा वो और किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, मतलब वो इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, ऐसे स्पिन कर रहा है, यहाँ स्पिन कर रहा है, इट्स इन विच डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड तो बड़े आसानी से पता चल जाती है, मैग्नीट्यूड इस पर डिपेंड करती है। जहां पर आप नोटिस करोगे स्मॉल एस को कहा जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रॉन के केस में एस का वैल्यू फिक्स है, इलेक्ट्रॉन के केस में एस का वैल्यू इज हाफ, इसका स्पिन क्वांटम नंबर कम्स आउट टू बी हाफ। नाउ देयर इज समथिंग अगेन कॉल्ड एज, ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के स्पिन का एंगुलर मोमेंटम कितना है, वो तो आपने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, पर वो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में, किस दिशा में ओरिएंटेड है, यानी किस डायरेक्शन में फेस करके वो स्पिन कर रहा है, अगर आपको ये पता करना है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को समझना पड़ता है। नाउ इसका मेरे पास एक बहुत अच्छा वीडियो है, आपको उस वीडियो में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्चुअली होता क्या है। तो इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वहां पे मैंने दिया हुआ है, आप चाहो तो आप उसको देख सकते हो। नाउ इलेक्ट्रॉन के केस में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी एम एस लिख देता हूं फिलहाल मैं उसको, दैट्स फॉर, या मैं एम ई लिखूं या एम एस एस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं स्पिन से रिलेट कर रहा हूं, ठीक है, विल बी इक्वल टू, इसके दो वैल्यू होंगे, आइदर इट विल बी प्लस हाफ और आइदर इट विल बी माइनस हाफ, ये दो वैल्यूज इसके होते हैं। ये हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ा है। ना इसके बाद 1924 में पॉली ने एक, पॉली वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, जिन्होंने ये प्रेडिक्शन किया कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे स्पिन करता है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं मेरा न्यूक्लियस भी अपनी जगह पे स्पिन करेगा। एंड ट्रस्ट मी, पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी इसके साथ हो गई थी। विद इन फ्यू ईयर्स, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, 5 साल के अंदर अंदर ये डिस्कवरी हो गया कि हाँ न्यूक्लियस स्पिन करता है, और डिस्कवरी के साथ साथ उसका एप्लीकेशन भी ढूंढ लिया गया कि न्यूक्लियस के स्पिन करने से क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंकली कि ये डिस्कवरी, ये इन्वेंशन कि न्यूक्लियस स्पिन करता है और उसका एप्लीकेशन क्या है, ये एक ऐसा टाइम था या एक ऐसी इन्वेंशन था जो सबसे कम टाइम में बहुत ज़्यादा फैल गया, और यही रीज़न है कि एनएमआर का बहुत वाइड यूजेस है या बहुत वाइड एप्लीकेशन है। नाउ हम न्यूक्लियस पे आते हैं। सर न्यूक्लियस जो हमारे पास होता है वो प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का बना होता है, इट हैज़ गॉट प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। सर न्यूक्लियस भी अपनी जगह पे स्पिन करता है, यू मस्ट बी वंडरिंग रियली, हाँ सर रियली न्यूक्लियस भी अपनी जगह पे स्पिन करता है, और वो स्पिन या तो इस डायरेक्शन में हो सकती है, या तो वो स्पिन क्लॉकवाइज, या तो वो स्पिन क्या हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। नाउ जिस तरीके से एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन्स में दिया जाता है,
कुछ उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम को न्यूक्लियस में भी दिया जाना चाहिए। तो वहां पर आप न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखोगे? एंगुलर मोमेंटम इज रिटन बाय अंडर रूट ऑफ आई ऑफ आई प्लस वन एच अपॉन टू पाई। नाउ देखो सर, ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है। वहां मैंने स्मॉल एस लिखा है, यहां मैंने कैपिटल आई लिखा है। सर एक्चुअली दोनों का मीनिंग सेम है, वो भी स्पिन क्वांटम नंबर है और ये भी स्पिन क्वांटम नंबर है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज स्पिन क्वांटम नंबर। बस मैंने डिस्टिंग्विश करने के लिए कि वो स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए है और ये स्पिन क्वांटम नंबर न्यूक्लियस के लिए है, मैंने इसको आई से लिख दिया और उसको एस के साथ लिख दिया। सो जिस तरीके से यहाँ स्पिन क्वांटम नंबर आई है, अब इस आई के बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। स्पिन क्वांटम यहाँ पर एस के वैल्यू फिक्स है, याद रखना इलेक्ट्रॉन के केस में स्पिन क्वांटम नंबर हैज गॉट अ फिक्स वैल्यू दैट कम्स आउट टू बी हाफ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल होता है। बट न्यूक्लियस के केस में इट कैन नॉट बी फिक्स। द रीजन इज एवरी एटम हैज गॉट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एवरी एटम हैज गॉट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड सो आई कैन से द कंपोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियस इज डिफरेंट इन एवरी एटम। सो डिपेंडिंग अपॉन आप किस एटम की बात कर रहे हो, किस न्यूक्लियस की बात कर रहे हो, उसमें कितने प्रोटॉन है, उसमें कितने न्यूट्रॉन है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका आई का वैल्यू क्या होगा। सो ये डिस्टिंग्विश याद रखना, इलेक्ट्रॉन के केस में एस का वैल्यू फिक्स होता है, प्रोटॉन के न्यूक्लियस के केस में आई का वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर हैज गॉट अ डिफरेंट वैल्यूज। नाउ द क्वेश्चन अगेन अराइजेस कि अगर ये है तो हमारे पास सिमिलरली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी होना चाहिए, देयर हैज टू बी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैं उस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को यहां पे लिखने वाला हूं एम आई, मैं इसको एम आई लिख के छोड़ दूंगा। याद रखना ये भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। यहां एस लिखा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से डील कर रहा था, यहां पे आई लिखा क्योंकि वो अब न्यूक्लियस के, दिस इज नॉट प्रोटॉन, अगेन आई एम सेइंग दिस इज न्यूक्लियस दैट आई हैव डिपिक्टेड ओवर यू। नाउ यहां तक हमको यह समझ में आया कि हमारे पास एक प्रोटॉन है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों अपनी अपनी जगह पे स्पिन करते हैं। नाउ सर हमने कहीं तो 11th स्टैंडर्ड में एक चीज पढ़ी थी जहां पर आपने करंट के बारे में पढ़ा था और जहां पे आपने अपने मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था, मैग्नेटिज्म। तो करंट और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड एक टॉपिक हुआ था, करता था, जिसको कहा जाता था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको मैं स्पेल करता था MECC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ MEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ना उसमें हमने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि सपोज करो अगर मेरे पास एक पेपर है, आई हैव गॉट अ पेपर ओवर हियर, और मैं उस पेपर में एक वायर लेके आता हूँ, सम सर्कुलर वायर, और मैं उस वायर को यहाँ से लेके यहाँ पर मैं गोल बना देता हूँ, उसको लूप बना देता हूँ। सो लेट मी कॉल इट एज अ लूप, ठीक है, दिस इज अ लूप। और उसको एक साइड मैं पॉजिटिव से कनेक्ट करता हूँ और एक साइड उसका मैं नेगेटिव से कनेक्ट करता हूँ, और जब मैं इसको पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ तो थोड़ी देर के बाद जब मैं स्विच ऑन करूंगा इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। एंड यू मस्ट बी राइट कि करंट फ्लो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव की तरफ जाता है, दैट्स करंट, याद रखना दैट्स करंट। सो करंट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, इट विल गो टूवर्ड्स नेगेटिव। सो सर करंट का फ्लो मतलब हम कहते हैं पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे गए, यानी हम ये मानते हैं कि पॉजिटिव चीज निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है। सो आई विल से करंट का मतलब होता है मोशन ऑफ चार्ज, मोशन, या आई वुड से मूवमेंट ऑफ चार्ज। पर सर प्रॉब्लम ये है, चार्ज तो दो टाइप के होते हैं, चार्ज कैन बी अ पॉजिटिव चार्ज, चार्ज कैन बी अ नेगेटिव चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा तो हम मूविंग इलेक्ट्रॉन को कहेंगे कि करंट फ्लो कर रहा है, और अगर पॉजिटिव प्रोटॉन भी अगर मूव करता है, या मैं न्यूक्लियस कहूँ, अगर न्यूक्लियस भी मूव करता है तो भी हम कहेंगे कि देखो चार्ज मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज विल बी कॉल्ड एज करंट। नाउ इस केस में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम सबको पता है कि एटम या प्रोटॉन या न्यूक्लियस मूव नहीं करता, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और इलेक्ट्रॉन का मोशन कहाँ से कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन का मोशन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, दिस इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ हमने 11, 12 स्टैंडर्ड में फिजिक्स में पढ़ा था कि अगर मेरे पास एक करंट कंडक्टिंग कॉइल है, और अगर मैं उसको यहाँ रखता हूँ जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, और अगर उसमें करंट फ्लो करता है, अब ये वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। यस आई एम करेक्ट, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो कहीं तो उसका नॉर्थ पोल होगा, कहीं तो उसका साउथ पोल होगा, बिकॉज हमको पता है कि मैग्नेट का मतलब होता है यू हैव गॉट अ मैग्नेट जिसमें एक नॉर्थ पोल होगा, जिसमें एक साउथ पोल होगा,
ये बार मैग्नेट है, और मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ की तरफ जाएंगी, नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ की तरफ जाएंगे। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैग्नेटिज्म जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो सर अगर इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो ये वायर के आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए, बिकॉज मूविंग करंट विल ऑलवेज प्रोड्यूस, या मूविंग चार्ज विल ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वो उसका नॉर्थ पोल कहां होगा, उसका साउथ पोल कहां होगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव गॉट राइट हैंड थंब रूल। नाउ राइट हैंड थंब रूल मुझे ये कहता है कि आप अगर वायर में आप फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में लगाते हो, माइंड इट करंट के डायरेक्शन में, और करंट का मतलब हमारे लिए होता है कि पॉजिटिव का मूवमेंट, तो अगर आप करंट के डायरेक्शन में लगाते हो तो थंब आपका हमेशा नॉर्थ पोल दिखाएगा। यानी अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो मेरा ऊपर की तरफ जो पोल होगा वो कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल होगा। यानी नीचे की तरफ कौन सा पोल हो जाएगा, नीचे इट विल बी अ साउथ पोल। ठीक है, मैं दो बार ऐसे लिख देता हूँ, मतलब अगर मेरे पास ये कड़ा है और इस कड़े में करंट यहाँ से घूम के यहाँ जा रहा है, यानी मेरा करंट इस डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो कर रहा है, तो इस वायर के ये साइड में नॉर्थ पोल बन जाएगा और इस वायर के ये साइड में साउथ पोल बन जाएगा। तो करंट नॉर्थ पोल, यानी जब मैं करंट की भाषा में बात करूंगा तो मेरा थंब किसके बारे में बताएगा, नॉर्थ पोल। बट एक्चुअली में देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मोशन ऑफ पॉजिटिव, देयर इज ऑलवेज द मोशन ऑफ नेगेटिव। असल में कभी पॉजिटिव मोशन नहीं करता, असल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, करंट एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन। सो देयर इज अ डिफरेंस यार, एक ये बड़ा प्रॉब्लम है फिजिक्स में, कन्वेंशनल करंट अलग होता है और एक्चुअल करंट अलग होता है। एक्चुअल करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कन्वेंशनली जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना। तो अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की भाषा में बात करोगे तो आपका थंब हमेशा आपको क्या बताएगा, नॉर्थ पोल के बारे में बताएगा। पर एक्चुअली में कौन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे, उल्टा। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की भाषा में बात करोगे तो आपका थंब क्या बताएगा, साउथ पोल। ये याद रखना, अगर मैं पॉजिटिव के की भाषा में बात कर रहा हूं, पॉजिटिव के मोशन की बात करूंगा तो थंब क्या बताएगा, नॉर्थ पोल, और अगर नेगेटिव के मोशन की बात करूंगा तो थंब क्या बताएगा, साउथ पोल। आप समझ गए रहोगे मैंने ये क्यों पढ़ाया, क्योंकि मेरे पास दो चार पार्टिकल्स हैं, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये भी स्पिन करता है, ये भी स्पिन करता है, एंड स्पिन इज नथिंग बट अ मोशन। सर जरूरी नहीं है कि चार्ज को हिलना है, जरूरी नहीं है कि उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, वो अपनी जगह पे खड़े होकर भी अगर मूव कर रहा है, यानी अगर स्पिन कर रहा है, तो भी वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बिकॉज स्पिन का आप इसको भी ऐसे समझ सकते हो ना, लूप में चार्ज घूम रहा है, चार्ज इज मूविंग इन अ लूप, क्योंकि वो स्पिन कर रहा है। तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा तो उसका कहीं तो नॉर्थ पोल होगा, कहीं तो साउथ पोल होगा, बिकॉज इट्स अ मूविंग चार्ज, वो चार्ज मूव कर रहा है। तो नॉर्थ पोल कहाँ होगा, साउथ पोल कहाँ होगा, हमने अभी पढ़ा। अगर नेगेटिव की भाषा में बात करूंगा तो थंब मेरा क्या बताएगा, साउथ पोल। तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन कर रहा है, दैट्स एंटी क्लॉक वाइज, तो मेरा थंब क्या बताएगा, साउथ पोल। तो ये मेरा साउथ पोल होगा। नाउ माई इलेक्ट्रॉन विल बिहेव लाइक अ स्मॉल टाइनी मैग्नेट। सिमिलरली नीचे क्या हो जाएगा, उसका नॉर्थ पोल। अगर ये इलेक्ट्रॉन की बात करूं, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेगा तो उसके नीचे क्या हो जाएगा, साउथ पोल, और उसके ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। एग्री करते हो। सिमिलरली कमिंग अप टू प्रोटॉन या कमिंग अप टू न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस ऐसे स्पिन करेगा, नाउ न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के स्पिन की बात अगर करोगे तो थंब क्या बताएगा, नॉर्थ पोल, नीचे क्या हो जाएगा, साउथ पोल। अगर ये ऐसे स्पिन करेगा तो एरो चेंज होके नीचे आ जाएगी, ये ऐसे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साउथ पोल, और ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, नॉर्थ पोल, और ऊपर हो जाएगा साउथ पोल। एग्री करते हो ना। मैंने एक इलेक्ट्रॉन या सिंगल बताया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन या सिंगल है और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बेचारा ऐसे स्पिन कर रहा है, अगर ये ऐसे स्पिन कर रहा है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के केस में इट विल बी अ साउथ पोल, और नीचे क्या हो जाएगा, इट विल बी अ नॉर्थ पोल। नाउ यहां से मुझे दो चीजें समझ में आ रही हैं कि मेरा प्रोटॉन, या मैं प्रोटॉन बार बार बोल रहा हूं, आप न्यूक्लियस समझो, अगर मेरा न्यूक्लियस स्पिन करता है तो वो भी एक टाइनी मैग्नेट की तरह काम करता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो भी वो टाइनी मैग्नेट की तरह काम करता है। और सर इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्पिन ही नहीं करता, वो रिवॉल्व भी करता है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन तो डबल मैग्नेट की तरह काम करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस होगा स्पिन की वजह से, और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसमें आपके रेवोल्यूशन की वजह से,
या जिसको कहूँ मैं वो जो अपने ऑर्बिट पे चक्कर मारता है उसकी वजह से। आप हायर लेवल पे जब आप आओगे तो आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे एलएस कपलिंग होता है जिसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है या जिसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये क्वांटम में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब आप टर्म सिंबल्स के बारे में पढ़ते हो या जब आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ते हो तब ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली है और ये सब चीज़ें एनएमआर में भी काम आने वाली। तो सर मैंने एक एक क्वेश्चन दिमाग में होता है कि मैंने दो इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ और एक इलेक्ट्रॉन को अलग क्यों बनाया। इसका रीजन ये था, आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन को जब लिखते हैं तो हम लोग हमेशा उसको पैर लिखते हैं, दे आर एंटी पैरेलल। ना ये एंटी पैरेलल लिखने के पीछे का रीजन ये होता है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन है और दो इलेक्ट्रॉन अगर अपोजिट स्पिन कर रहे हैं, जैसे ये अगर स्पिन करेगा तो इसके ऊपर क्या होगा साउथ, नीचे क्या हो जाएगा नॉर्थ। अगर ये ऐसे स्पिन करेगा तो नीचे क्या होगा साउथ, ऊपर क्या हो जाएगा नॉर्थ। नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट, यही रीजन होता है कि पैड इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन को अलग करना डिफिकल्ट होता है। और मुझे पता है कि एस ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन पैड हैं तो उन दो इलेक्ट्रॉन को आप अलग नहीं कर सकते, जिस इफेक्ट को इनर्ट पैर इफेक्ट भी कहा जाता है। आपने ये ब्लॉक्स में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो आप देखो कहाँ करंट, कहाँ कहाँ मैग्नेटिक कहा जाता है और कहाँ उससे इनर्ट पैर इफेक्ट एक्सप्लेन होता है। ना मेरा लेना देना इलेक्ट्रॉन्स के साथ नहीं है, आई एम मोर फोकस्ड ऑन न्यूक्लियस। सर न्यूक्लियस में मैग्नेट होती है, न्यूक्लियस में, या मैं कह सकता हूँ एक न्यूक्लियस इज वर्किंग लाइक अ मैग्नेट। और आप अगर नाम देखो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो न्यूक्लियस भी है मैग्नेट भी है। अब सिर्फ रेजोनेंस को समझना है और स्पेक्ट्रोस्कोपी तो हम कर ही रहे हैं। तो अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये न्यूक्लियस है मैग्नेट है तो रेजोनेंस क्या है, व्हाट डू यू बेसिकली दिस माइंड बाय रेजोनेंस, और इस न्यूक्लियस पे ये मैग्नेटिक फील्ड होने से स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे हो जाती है। ठीक है, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।